नगर विधायक को उसे गांधी परिवार राम मंदिर मस्जिद मुसलमान टीपू सुल्तान सिवा उसे अभिवृद्धि करने का क्या है च नहीं अभिवृद्धि क्या है अभिवृद्धि करो करना आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में चुनाव प्रचार पकड़ने लगा जोर। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में घर घर दस्तक देकर वोट मांग रहे हैं कांग्रेसी। बीजापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। बीजापुर जिले में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक जोरदार चुनावी प्रचार कर वोटरों को आश्वासन देकर वोट लेने के प्रयास में लगे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में कांग्रेसी शहर के सभी वार्डों में घर घर जाकर वोटरों को कांग्रेस की नई गारंटी योजनाओं के बारे में बताते हुए इस बार कांग्रेस को वोट देकर बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर राजू अलगुर को जिताने की गुजारिश कर रहे हैं। इसी के चलते आज 22 अप्रैल 2024 सोमवार को बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ एवं बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के AICC ऑब्जर्वर सैयद बुरहानुद्दीन के नेतृत्व और गिरीश कुमार इटंगी के सहयोग से वार्ड नंबर 22 में घर घर जाकर वोटरों को कांग्रेस की नई गारंटी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर राजू अलगुर को जिताने का आग्रह किया गया। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के AICC ऑब्जर्वर सैयद बुरहानुद्दीन बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर अहमद बख्शी और जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सुजाता कल्ली मनी ने कांग्रेस के इस चुनावी प्रचार की जानकारी देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष वैद्यनाथ कर्पूरमठ, कांग्रेस नेता एडवोकेट आज़ाद पटेल, जलनगर ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष आरती शाहपुर, बीजापुर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट शब्बीर जागीरदार, बीजापुर जिला कांग्रेस समिति के प्रधान कार्यदर्शी अशफाक मनगोली, फैयाज कलादगी, भारतीय वसमनी सहित कांग्रेस के और भी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे मौजूद। आज वार्ड नंबर 22 में हमारे पूरे कांग्रेस के लीडर और हमारे कार्यकर्ता और हमारे माजी अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष भारती नामी भारती वसमनी हमारे इमाम उल्लाई उड़कोशी सब भी इलाकों में घर घर प्रचार कर रहे हैं। आज हमें कांग्रेस गारंटी चालने दिए और घर घर प्रचार कर रहे हैं। आज जो बुरहानुद्दीन आए हैं उन्हों अब्जरवर आए हमारे बुरहानुद्दीन सैयद बुरहानुद्दीन हैदराबाद से आए उन्होंने इंचार्ज हैं उन्होंने भी हमारे साथ साथ में हैं। नगर विधायक ने फिर एक बार गांधी परिवार पर सवाल उठाया। वो नगर विधायक को उसे गांधी परिवार राम मंदिर मस्जिद मुसलमान टीपू सुल्तान सिवा उसे अभिवृद्धि करने का क्या है च नहीं अभिवृद्धि क्या है अभिवृद्धि करो करना
गांव में पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी के वास्ता करो कना। हमारे एमबी पटेल साहब दो बार कैनाल का पानी छोड़े, बेगम तलोक का कर रहे हैं, बौड़िया साहब करा रहे हैं, वो काम करना छोड़ को पानी का वो फिर पिरा को बोलता है पाकिस्तान इंडिया मदी मस्जिद मंदिर ये छोड़ कुछ दूसरा बोलने का है च नहीं। उनका तो कहना है उनके क्या करे, तीन बार स्टेशन रोड झाड़ लगाया था मैं, बात करे खाली झूठ बात है। सड़कें बनाई हैं बहुत से, कौन से सड़कें बनाई हैं? आओ हमारे वाड़ा में बताते हैं क्या बीजापुर का अभिवृद्धि हुए, क्या अच्छी फैक्ट्री कर रहे हैं। वे परसों बोले मैं साल बनाओ दवा खाना, बोले लोगों को रोजगार दो, एक फैक्ट्री बनाओ, कौन से तो अच्छे फैक्ट्रियाँ लाओ, इंडस्ट्री लाओ, लोगों को अनुकूल हुए सरकार, गरीब को राब खाए सरकार कर को दो। इस बार आपके अभ्यर्थी के जीतने के चांसेस कितने? 100 को 100 हैं। बीजापुर शहर में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, मैं खुद ये बात का जो है जश्मदीद गवाह हूँ। पानी की बहुत तकलीफ़ है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट नहीं है, सरकारी पोस्टां खाली है। ये हाथ नहीं होता सो एक ददम्मा MLA यहाँ बैठा है, अगली बार भी इसका कोई चांस नहीं है जीतने का। इस बार बीजापुर सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को आने वाली है और हमारे कैंडिडेट प्रोफेसर अलगूर साहब बड़ी से बड़ी बहुमत से जीतने वाले हैं। बीजापुर को आने की खास वजह? AICC से मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का 8 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज हूँ, लोकसभा पार्लियामेंट क्षेत्र का इंचार्ज हूँ मैं। ख़ास तौर पे राहुल गांधी जी यहाँ भेजा है मेरे को यहाँ के हालात देखने के वास्ते। यहाँ के हालात आके देखे तो इतने बुरे हैं बीजापुर सिटी के कि आज अफसोस हो रहा हमारे मुशरिफ साहब क्यों नहीं जीते यहाँ पे MLA। आप जगह जगह फिर रहे हैं, कैसा लगता है? तो कांग्रेस की लहर कैसी है? बहुत अच्छा है, कांग्रेस की लहर है, बीजेपी का कोई लहर ही नहीं है। मोदी जो पागल बनाया लोगों को, ये 10 साल से इनके बातें अब आगे नहीं चलने वाले हैं, इनकी सूट बूट की सरकार ख़त्म हो गई है, अब आगे ये लोग नहीं आएंगे। क्या इस बार आपकी अभ्यर्थी बीजेपी अभ्यर्थी को हराने में कामयाब होंगे? 100 से 100% हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्जिन की बात है, अब 2 लाख आता 3 लाख आता मार्जिन, ये देखेंगे आगे। वोटर्स कांग्रेस को ही वोट क्यों दे? कांग्रेस को वोट क्यों दे? बोल तो हमारे 5 के 5 गारंटी हम इम्प्लीमेंट करें। आज सिद्धरामैया साहब, DK शिवकुमार साहब, 600 करोड़ रुपए जो है हम आज पूरे लोगों को बांटे। आज 1 लाख रुपए हम सालाना बांटने की जो मुहिम लाए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और आगे देखा गया तो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है, टूरिज़्म डेवलपमेंट कर रहे हम लोग, बस फ्री दिए औरतों के लिए, आज लेडीज़ पूरे खुश है, बच्चे खुश है। आज जो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन लोगों को पैसा देने का काम कांग्रेस पार्टी करी। आज कितने गारंटी हमारे कामयाब हुए, 5 के 5 गारंटी। आज ये लोग हमारे गारंटी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह नकल मार रहे हमारी। BJP का नारा है इस बार 400 पार, बराबर बोले हम लोग 400 पार होने वाले हैं। कांग्रेस पक्ष के नमस्ते, आज हम बीजापुर शहर में वार्ड नंबर 22 ग्रीस इटकी के वार्ड में हमें गारंटी कार्ड का चालने दिया जा रहा है। इस चालने में हमें घर घर जाके हर घर के औरत को या आदमी हो या सबको हम मिल के इस गारंटी कार्ड का महत्व क्या है हम दिखा रहे हैं। इसमें हमें इतना रिस्पांस मिल रहा है, जो पहले जो 5 गारंटी जो हमारे कांग्रेस सरकार ने दी थी कर्नाटक के जो सिद्धरामैया सरकार ने, वो उसके ऊपर हम खड़े उतरे हैं और उसके ऊपर विश्वास भी बहुत है लोगों का। और इस बार भी जो हमारे AICC के अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने और जो 5 गारंटी जो दिए हैं, वो 5 गारंटी का हमें घर घर जाके ये 5 गारंटी क्या है, किस लिए है, ये 5 गारंटी कितना आता है, कितना हर साल को 1 लाख रुपए के बारे में समझा रहे हैं, हर महीना 8,500 रुपये के बारे में समझा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस बार हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बैठेगी, क्योंकि हमें जो पहले गारंटी में जो भरोसा मिला है, इस बार भी वही उसी तरह से हमें भरोसा मिल रहा है हर घर में। अच्छा लोगों में थोड़ा ये है कि भाई चलो इस बार भी एक आजमा के देखेंगे,
और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो भी ये गारंटी दिए हैं वो जो बोलते हैं गांधी परिवार वो करके दिखाता है। नगर विधायक ने फिर से नेहरू और गांधी परिवार पर सवाल उठाए हैं। नगर विधायक का क्या बात करते जे, वो आदमी को बात करने का तरीका ही मालूम नहीं। पहली बात कौन सी बात कहाँ करना कैसे करना, हर एक को ले कुछ पढ़ना, हर एक को ले कुछ करना, हर एक को जो बोलना है बोलना, वो मुँह है ऐसा ही बोलते बैठता है उसको। वो आदमी का उनके बातों पर कोई हमें वो नगर विधायक के बारे में कभी हमें ध्यान देते ही नहीं। हमारा काम कर रहे हैं, हम काम करते जाएंगे। उनके इन बयानों से क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? कुछ असर पड़ना है और हमारा चुनाव मजबूत है। इस बार तो हम कांग्रेस सरकार आएगी। क्या लगता है आपके अभ्यर्थी बीजेपी अभ्यर्थी हरा पाएंगे इस बार? ज़रूर इंशाल्लाह 1 लाख से 1.5 लाख वोटों से हरा पाएंगे हमारे राजू आलगुर जी, क्योंकि वो एक एजुकेटेड आदमी है। एजुकेटेड आदमी लोकसभा में जाके बात करने के लायक हैं। पहले के अभ्यर्थी क्या थे बोलो तुम? उन्होंने क्या हैं, कभी किसी को मिले हैं क्या? अभी बोलो मोदी मुझे कहाँ देते जी, मुझे कहाँ देते, मोदी को छोड़ दो। हम जाकर मोदी को पूछना आप काम के बारे। उनका तो कहना है उनके प्लेट में बहुत से अभिवृद्धि काम हुए हैं। मकान लगाओ, एक ब्रिज छोड़ कर दूसरा काम है तो दूसरा बताओ मेरे क्या है सर। एक ही ब्रिज के बाद उसके बाद उन कितने साल राज की करे, 30 साल, वो कभी उसका यह नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम जमीर अहमद बख्शी, विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। इन दिवस ना प्रोफेसर राजू आलगूर सर अवर ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ರೀಪಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಂಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಇವರು ಅನ್ನದೇ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಓಟ್ ಅಂತೂ 100 ಕ್ಕೆ 100 ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಭರವಸೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಾವು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸುಜಾತ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत. बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, स्ट्रैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ पीसीएमबी और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है. तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कॉन्टेक्ट करें. फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर. नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते. जुड़े रहेगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ.